की वजह से है। ए नोबिया तू मस्त कर नको करू ते शूटच्या नादात, आपल्याला पण नेशील स्वतः पण जाशील। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊन बहुत ज़्यादा है, मतलब 10:30 बजे निकलने हम वाले थे 7:30 बजे, लेकिन ऐसे सोए हैं कि ढारा ढूर। तुम्हारा क्या मानना? 100% मैं आ रहा हूँ। यही गाइस खाली फ्रेश है, मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ मुझे खुद को कन्फ्यूज है, तो आप ही सोच के लेना मैं नहाया हूँ कि नहीं। गाइस अभी है ना डे 2 स्टार्ट हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि ना थोड़ा डिप्रेशन आ गया, क्योंकि सवेरे 6 बजे निकलना चाहिए था। बाहर आप खिड़की से देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेवल पे धूप है और इधर से 3 घंटा चलने का है, तो बीच में ऐसा डिसाइड हुआ था कि कैंसिल कर देते जाना। मैंने तो कैंसिल ही कर दिया था, तो बाद में राणे और नोबिता ने बड़े मन दिखा के भिवाजी दादा को कन्फ्यूज करके उन्होंने जाने का प्लान कर लिया, तो मुझे बुरा लगा, बोला नहीं ऐसा अच्छी बात नहीं है, अपन भी जाते। डेविल जी ने तो हार मान ली क्योंकि कमर दुखी, तो मानने की वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी कैसे क्या होगा सिचुएशन मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पानी भी नहीं है। अलाउड नहीं है, तो डाकू जी इधर रुक रहे, मैं जा रहा हूँ, श्रीमान जा रहा है, पत्या जा रहा है, और मैं तो व्यूज के लिए लाचा हूँ, आपको तो मालूम रहेगा। तो उसके लिए मेरे को वो एंगल चाहिए था, मैं कैसे चढ़ा वगड़ा ऊपर, वो चाहिए था, वो भी लेने जा रहा हूँ। और बाबा जी ने बुलाया ही है तो जाना ही पड़ेगा, इतना दूर आए तो हम जाते। गाइज निकलने से पहले प्रिपेयर हो रहे, बहुत ज्यादा भूख लगी हर एक को, तो ये चीज क्या है वो खा रहे, और पानी है, और जाम पाव खा रहे। ज्यादा लग रहा, मैं गरीब नहीं, डोंगर में भी इतने चाहिए और दिन राने, बस हो गया ना राने, इतना ही जाम है, 2 ही डब्बे जाम दिले भाई, जंगल का नियम है जो मिले वो खाओ। ये टोपी पहन के आने वाले तू? मैं निकालूंगा ना अभी, भगवान के दर्शन चल तो भाग रहा है, और कमी ने उस दिन 3 बजे रात को गाय कर रहा शूटिंग कर रहे। डाकू इधर आके लिए इसलिए रुके, ज्यादा कुछ भी मत बोल, देख मैंने शेर रखा था, डेविल द रेस कंबर मैन तिकड़े उसको भी रखा तो ठीक है, स्नैक्स वगैरह। नो ब्लुंडी बोल उसको, नो ब्लुंडी बोल, सादा नहीं जर्मन टॉय, पानी का जर्मन टॉय पानी का क्या, उधर आप पर रेडी है। और अभी हम निकल चुके हैं तने जी, पिछली बार मैंने बताया कैसे जाना है सबको पता है, तो इस बार मुझे आने की जरूरत है नहीं, ठीक से जाओ वैसे बताया वैसे जाओ, अभी मैं बोल सकता था। और ये देखो लुक्का इधर रे, बंडी बंडी धोखे ले कमी ने, इनको डीफेम कर रहा है ये दोनों बेचारे, नहीं इनको मैंने बोला कि तुम रुको रानी, तो ये सब रुके, ये खाना भी ना बनाएंगे, हमारे लिए व्यवस्थित सुविधा करके रखो, हम जाके चपचपा चपा चुप आते हैं, पर इधर ही रहोगे तो गाइस चुप नहीं आऊंगे, ये नहीं है कमीना। चलो लाइक ही नहीं दे रही दोस्त, हार माने हुए कमीने। गाइस अभी हम निकल चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, तन्ने जी इधर अकेली है, उसको आना नहीं है, मतलब उधर ऊपर लेडीज अलाउड ही नहीं है, तो अभी हम जा रहे, तो इन दोनों को तने जी के साथ रखा है इधर, कोई और भी इधर जुड़ने वाले, तो इसकी वजह से अभी हम निकल चुके, जाते हैं बाबा के दर्शन में। इधर एक हमको बाबा भी मिले थे, ये हमारे गांव के, ये कुछ टेंशन नहीं है, ये भी उनका घर है। धूप बहुत डेंजर है, मुझे मालूम है हालत खराब होने वाली है, लेकिन जाएंगे, जो भी होएगा देखा जाएगा। ये देखो अभी इस टाइम ना एकदम प्रॉपर शूट के लिए, देखो ऐसा ड्रोन ये सब लेके रखा है, ऐसा लॉन्ग लेके वगैरह सब आपके लिए यार, आपके लिए। शिवन मेरे फेम के बारे में क्या बोलेगा, फेम लेने में जा रहा हूं। मतलब देखो कैसा है दोस्तों, ये आने वाला नहीं था, बट बाद में इससे डिसीजन क्यों लिया पता आने का, क्योंकि इसको व्लॉग बनाना है और मेरे वीडियोस में दिखना है कंटिन्यू तो इस वजह से खास में इसको कंटाला आया है, इसको तकलीफ हो रही है, फिर भी आया मतलब मतलब इंसान कितना फेम के लिए हपा हुआ होता है ऐसा यहाँ पे दिखा है, और इसको हमने एक नया नाम रखा है, क्या नाम ठेले ना, जॉर्मन टुंडे ना है कन्नन मैन और श्रीमान जी देखो गाइज मैं निकला ना सवेरे, तो राने और नोबिया जा रहे थे, मुझे दया आई, मैं रिस्क लेके फिर भी निकला, जैसे मैं निकला वैसे आपके सामने जो हीरा जो पूरा ये सूट पहन के निकला है ना जब आके आगे वाला, ये श्रीमान मेरे पास, मतलब मैं जैसे हाँ बोला तो चलो चलो, तो वो कन्फ्यूज में गिर गया, फटाफट जाके बाहर उसने बादली में नहाया और वो भी आने के लिए रेडी होगा, ये कुछ भी नहीं, ये निकलने भी वाला नहीं था, झूठ बोल रहा है, इसको इग्नोर मारो। ये देखो गाइस ये ना जंगली सुअर ने खोदा है रात को, ये खाई लगा तिमूड़ा लेती का, ये
आने के लिए। ए, कबर नहीं है वो, वो कबर नहीं है। फिर क्या है वो? गवर्नमेंट का नियम है, पानी अड़वा पानी जिरवा, इसमें बारिश का पानी गिरेगा तो जमीन में गिरेगा। मुझे लगा कि जब तुम लोगों को मैं घुमाने लाऊंगा हाँ। तुमको मिर्गी आ गई हाँ। और तुम मर गए हाँ। वो गाड़ने के लिए बेस्ट उपाय है। अच्छे सॉरी सॉरी गाइस, पानी अड़वा पानी गिरवा खड्डे मुहिम, ये देखो इधर भी एक, ये देखो कौन सी लेस, लेस बांधो, लेस बांधो, रुको रुको दे मैं पकड़ता हूँ। नहीं बंद केला कैसे नहीं, पहिले लेस है ना करण 1000 रुपया निकते रे कांटा। एक काम करती लेस बांध लीस ना गाठ, त्याच्या वरना एक गाठ मारून टाक। नाही आता आता कोणी बात आता नाही येणार, त्याला म्हणतात चूळ गाठ। गाइस जंगल में नियम नंबर 34, लेस छुटी तो लंबा कौन सी गाठ बोले, चूळ गाठ, चूळ गाठ बांधना है। ये देखो अभी पहली गाठ बांधी हाँ। अभी ये उसके ऊपर श्रीमान जी चलो ना, ये ऊपर से बारिश नहीं हो रही बर्फ की, चलो ना। ये देखो और इस छड़ी का उपयोग आज हुआ, आप बोलोगे इतना दामा क्यों है, तो बताएंगे क्यों दामा है जबा, क्यों दामा? अरे वो मागे एकदम कड़क धूप थी और अखा छाव लेने के लिए किधर भी चांस ही नहीं, इसलिए अभी आगे देखो वापस से वैसा ही भक्का वातावरण है। अभी डायरेक्ट वालगंट चालू हुआ वापस, इसकी वजह से खच्ची होता है सब कार्यक्रम। बना सर तो तोड़ने से सकते हैं, अरे एंगल ठेवा लगते हो पक्का, कैसा है एकदम? वो अल्ट्रा वाइड रखा है क्या? अल्ट्रा वाइड है, और मजा आएगा दोस्तों। जंगल खत्म भी हो गया, बस सपने दिखाए जंगल ने कुछ मिनट के हाँ। लेकिन फिर से भकास वातावरण, फिर से आगे जंगल, डायरेक्ट राजस्थान आ गया। लेकिन अभी एनर्जी आ गई है, अभी एनर्जी है, आता एनर्जी ओपी है ना। तू एनर्जी बोलते हो, थका थोड़ा सा लगा। नहीं मेरे को दम लगा लगा, मैं और मैं दामे आऊँ कुछ उसके, तुमको दमा रोग हो सकता है। गाइस वो देख रहे हैं आपको, आपको लगेगा वो पानी है पर एक्चुअली वो पानी नहीं है, वो दरी है नीचे। हमको ऐसा अपा ने बोला कि उधर नीचे दरी है, वरना क्यों चल ओपन नहीं, ओपन नहीं बगू चल उड़े दिसेल ना। और अभी पहाड़ वापस से चालू हुआ है गाइस, और मज़ा आ रहा है। सीमन भाई बहुत ज़्यादा खुश है इन पहाड़ों पे, और मेरा सबसे बड़ा बात क्या, मेरा ऑफिस में फ़ोन लग गया है ना, वो और खुशी की बात है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मैंने काम बताया था वो फाइनल हो चुका है, बस मेन काम बाकी है। और सीमन ने ना गाइस मैं ड्रोन से दिखाने के लिए गोप्रो मोबाइल इंस्टा 360 सब कैमरे लाए हैं। हम वापस इधर आए, हमको मालूम है कि हम लोग वापस इधर ही आए हैं, लेकिन राणे का बर्थडे जो है ना वो उसको इधर ही सेलिब्रेट करने का था, उससे कुछ लेना देना नहीं था, हम उसके साथ चाहिए थे बस, उसका यही सपना था। और आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो ये ना, ये देखो ये इधर जाने इधर इधर श्रीमंत को एक बात बोलता है, डुक्कर जो है ना डुक्कर, ये जो रांटी डुक्कर होता है ना, ये ऐसा वाकड़ दिकड़ा नहीं भागता कभी भी हाँ, वो तो है वो सीधा ही भागता है और सीधा ही अटैक करता है, तो थोड़ा बाजू में हो जाने का, जो जिस दिशा से आएगा ना उससे थोड़ा बाजू हो जाने, वो उड़ी नहीं मार सकता क्योंकि उसकी गर्दन हाँ। और मालवनी की गर्दन सेम है, गला है ही नहीं हाँ। वही ये हाथ दूंगा करे, ये डोंगे चढ़ना है, ये देखो को एक जन्नत वाला व्यू दिखाऊंगा देख के अब खुश हो जाना। ये देखो देख लेंगे जो कैसा है कैसा जबरदस्त ना मुझे चक्कीडू हाँ 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 वाह वाह वाह, ये देखो हमारा कंटेंट किलर, देखो कंटेंट किलर, वाह 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 वाह, जिम का फायदा हो रहा है ब्रो। अभी देख स्टंट स्टंट कंटेंट किलर, 3 2 1 शॉट, सही गाइज। अभी मैं इनको बता रहा था कि वो शेर मतलब सिंह एकदम प्रेमण होता है, वो जल्दी अटैक नहीं करता, वो अटैक करने के लिए 10 बार कुछ इशारे करता है, ऐसा उस मुझे गिर जंगल में बताया गया था, उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, मैंने सुना था। और ज़्यादा नहीं करते वो अटैक, इन्होंने मेरी खिल्लियाँ उड़ाई है इनके ब्लॉग में, शेर अटैक भी करता है और लायन नहीं करता मेरे हिसाब से, तो अपन देखते लोग कमेंट में क्या बताते, आपको क्या लगता है ना वो कमेंट में जरूर बताना। कह रहे हो भैया
ड्रोन शूट का अभी ड्रोन शूट है और पूरा ये कॉर्नर से चलते जाना है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंकि फेम मेरे को सबसे पहले चाहिए इसके लिए। सिंह के वंश मैं सिंह का वंश जो ये लांडगे का कुत्तों का ये फेकी बॉलर लायन टाइगर का वो लोमड़ी का वो पुतने का काका है काका का पुतने और अप्पा हमेशा की तरह फ्रेश है कुछ इशू नहीं ओनली। अब मामा असस का था वेरी गुड देखो मजा नहीं लाइफ मज़ा भी आ रहा है और फटके चार पे उधर बीच में डेविल के लिए ग्राउंड बना रहे हम पिच बना रहे ओरम के लिए। अब ये देखो ये ड्रोन जो है ना ड्रोन ये हमको सबको फॉलो कर रहा है हमको सबको फॉलो कर रहा है ताकि टेंशन नहीं गिरगर्दन घाट। ये देखो थोड़ा भी नीचे गए ना तो डायरेक्ट कोमा में चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता कोई जिंदा भी बचेगा नीचे गिरा तो सही है। और आपा देखो ड्रोन में प्रॉपर पिछले टाइम हमने शूट किया था श्रीमान भाई के अपने ने क्या ड्रोन शॉट में देखा था सबके व्लॉग में था वो ये इधर ही ऊपर उधर तक आज हम आए यार सैल्यूट है भाई अप्पा जी को राणे जी को नहीं बोल रहे थे फिर भी हम आए मज़ा आया और आज प्राउड मोमेंट है। अभी ऊपर भी और ऐसे ही कुंड है वो बोल रहे आगे का पानी देखोगे तो आप बौखला जाओगे। देखो ओरिजिनल नेचुरल स्विमिंग पूल नेचुरल पानी का जाने लगे पकड़ जा रहा इतने दूर आए पानी को हाथने लगा है तो मजा क्या है। ये भाई ये सब कुदरत की देन है और ये पूर्वी लोगों ने बनाया यार क्या ही बोले। इधर भी है टंकी हाँ रानी ऐसा डोंगर वाला इलाका डोंगर वाले इलाके में पानी और पानी में मासे पूरा उनाला ये पानी रहेगा भगवान की देन ब्रो नेचुरल 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 पांडवों ने बनाया हाँ पांडव हाँ ये बहुत पुरानी लेनी है लेकिन श्रीमान अभी के जो स्विमिंग पूल बनाते वो सालों में लीक हो जाते ये कितने साल पुराना है और अभी पानी जो ढूंढते नारियल वगैरह से तब कैसे ढूंढा रहेगा कि इधर पानी मिलेगा। इतना दिन नहीं रहेगा धूप में पानी इसका जरा रहेगा इसमें जरा रहेगा 100% तो कमाल है यार अपना इतिहास बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा इतिहास है यार अपनी छोटी छोटी हमको तो मालूम भी नहीं ये काय के बनाए हुए हैं वो आपको मालूम है पूर्वी से इधर आ रहे हैं इसकी वजह से लेकिन इसको जिन्होंने ये बनाया हुआ है पहले पांडवों ने सैल्यूट है भाई को बताना चाहता हूँ इसके चारों तरफ मतलब छाव देखो जिन्होंने भी पेड़ लगाए रहेंगे पहले कैसे प्रॉपर कैसी छाव है राने धूप है छाव है कभी कभी जिंदगी तू है तितमी है तितवारा है रे हर पल यहाँ बापा के साथ पापा मिल भर के जियो चिबी लिपि चिबी चपाक जो हो ना हो ओबा 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 ए बाबा अरे काय आणले श्रीमान अरे अँगल ठीक आहे पूरा बेंड अँगल क्यू लाय गाइस ये देखो सिमा पूरा घसपट्टा हुआ आ रहा हूँ रे मैं घसपट्टा कूले घासते हुए आ रहा हूँ कूले नाता रे बहुत 70 वर्ष तो चलते वहाँ मार लग रहा है रे
अरे गाइज शूट कैसा आ रहा है रुपए मालूम नहीं है लेकिन पूरा घसपट है शूट। अच्छा आ रहा है शूट, बादशाह कर। क्या बोल रहा है? ये देख इस पे क्लाइंबिंग वीमिंग हुआ है ब्रो। ये देखो गाइज ये है ना, ये क्लाइंबिंग के लिए लगाया हुआ है और हम ऐसे ही चल रहे हैं। शूज का लेस निकल रहा है बराबर। और गाइज सच्ची में बोल रहा हूँ, ये देखो चुम एक्सपीरियंस देने के लिए, ऐसे नहीं कि फेम के लिए मैं कर रहा हूँ, बस आपको एक्सपीरियंस देने के लिए और आपके प्यार के लिए, मतलब आपको भी देखने मिलेगा ना हमने क्या क्या एंजॉय किया। वही अप्पा कितनी ला मैं अजून। ये देखो गाइज ये देखो ना, हाँ रहने बहुत लंबा लंबा चौड़ा ये हुआ है मैटर। वाह मेन डिफिकल्टी माला का, ये डिफिकल्टी नहीं है कर ना छोटे, माझी डिफिकल्टी बघ भाऊ माझी परिस्थिति। लोक रॉड से आ रही इधर श्रीमान, दोरी विरी बांध के अपन आर जोड़ा रे। नोबेला पण सैल्यूट है भावा 21 तोफेचा काय रे। हाँ मेरा शूट हो रहा है कि नहीं गाइज मुझे मालूम नहीं, गोप्रो चालू होने का आवाज़ तो दिया है, बंद हुआ है कि चालू मालूम नहीं। बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग होने वाला है रानी ये, लेकिन मूवीज डायरेक्ट। हाँ श्रीमान ये व्लॉग बोलेंगे तो मूवी है डायरेक्ट। हाँ श्रीमान देख उनको 70 साल हो गए वो यही काम कर रहे बराबर। अपन मैं 26 का होने के बाद आज पहली बार आया हूँ। हाँ गाइज डर की वजह से ए नोबिया तू मस्त कर नको करू दे शूट च्या नादात। मग तो ठेवून दे ना गोप आतमध्ये, नको बॅगेत ठेव। अरे मग गेला सर आपल्याला पण नेशील स्वतः पण जाशील। जय जय देखो गाइज हमारे इसमें आवाज़ आया नहीं तो ठीक है, श्रीमान भाई के व्लॉग में वो आवाज़ क्लियर आएगा क्योंकि आईफोन है। और वो श्रीमान भाई के जो डिवाइस है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अभी, मेरा भी गोप्रो शायद गर्म ही होएगा लेकिन देखते हैं अभी। डायरेक्ट नीचे घसपटी, हाथ पाए टूटी रे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट काम 25 डायरेक्ट थोबड़ फूटी बातें। चल ये देख सुड़का अभी इधर से नीचे उतरना है मैं, ये अभी ईजी है ना अपा। कहाँ बोलता किधर से डर नहीं लगता जना, घसरने से लगता है। ये देखो बाबा 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 श्रीमान अभी आगे और डेंजर है ब्रो। इसके लिए ना गाइस आपको मैं बताता हूँ, कंपलसरी ट्रैकिंग शूज चाहिए सॉफ्ट वाले। और मेरे इसमें तो नीचे सोल भी नहीं है, मेरे को इसके लिए डर लगता है। राने को इसके लिए बोला, मेरा पाँव स्लिप मारा मेरे को कुछ हुआ नो इशू। राने को नहीं कुछ होना चाहिए क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी, उसका बर्थडे उसको कैसे लेके जाने का है। मैं गिरा ठीक है नो इशू अभी। और श्रीमान को भी कुछ नहीं होना चाहिए क्यों, ताकि भाई वो हजारों दिलों की जान है हमारा, ठीक है कुछ इशू नहीं। जिम करना बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए। इधर ये ना जड़ अप्पा एवढं, मैं इधर से आने का ट्राई करूँ क्या मैंने हो गया। आ जाओ श्रीमान अभी नॉर्मल इधर से आओ, एकदम इजी भाई टॉप ही आ गया। ये देखो डायरेक्ट किधर निकले वो कपारी में, देखा ना आपने डेंजर है भाई कपारी मकना। अभी बाबा का दर्शन लेना है अप्पा, वाट लग गए। लव यू राने, लव यू। ये एक्सपीरियंस देने के लिए मैं नहीं आने वाला था फिर भी आया हूँ। और ये टोक देख सकते हो इधर से इधर रखा थे। अरे तुला तो तुझ्या मुळे तर मी आलो। अरे मग बाबा बर्थडेचा त्याच्या बर्थडे मुळे आणलं म्हणून असं रे, तुझ्या औकात आहे का रे बर्थडेची? गाईज हे नियम पहिले ए सी मन चल उतर ना, कैसे उतर दे का इधर आ, चल नाटक मत करा फटाफट चल। धबधबा नहीं है इधर आता, नहीं आता क्यों? सुलका है मतलब? नहीं मालूम मुझे लेकिन सुलका बोलते इसको। लेकिन श्रीमान ये जो आपने रोड दिखाया इसके बारे में क्या बोलोगे? ये जो रोड आया अच्छा था लेकिन मतलब इतना भी कुछ ये नहीं। इस पूरे व्लॉग का की पॉइंट, की पॉइंट है, की पॉइंट राणे का बर्थडे और मौत से खेल हा माझा टाइटल असणार आहे। हाँ श्रीमान सबसे खतरनाक पल्ला तो हमने कर लिया, अपन नीचे देखो ना तो पत्थर हमारा सर फोड़ दोगे।
नको ना श्रीमान, मेरे को बताओ ना पहले। तो टुम्मा वर घे वर काढला एकदम वर, बस हो गया ना, खत्म हो गया। ये बैग में डाल, चालू हो गया ये भी, चलो। हाँ दोस्तों दोनों चीज़, ए नीचे उतरने के बाद ये देगा क्या हमको? मेरा प्लान क्या है, इधर से जाऊंगा मैं, इधर से ये दे, ये बीच के गली से रानी, उधर से पाव निकाल बच्चा, पीछे अटका है ना डंडा, उसकी वजह से मुझे झुकना नहीं जम रहा है। तो मत निकाल, इतना क्या है, शूटिंग भी नहीं है। नहीं शूटिंग नहीं रे, इसे काम में दे देते हैं, मेरा कंफर्ट आ रहा है। अरे नहीं इस पर ही होगा, आ रहा है चलो। देख रहा कुठे कशी काय देणार ती, इथे ना खाली आहे, बॅगेला बांधून दे ना दोरीला। इजी आहे ना उधर से श्रीमान, उधर से इजी तो है, कंफर्टेबल। राणे मत ना, रुक ना जरा, अरे टेंशन वाला माहोल आहे इधर। इकडे कशाला उतरला बावलटा तू, इथून उतर ना मंद, थांब पहिले करा। अरे धोकाचा इकडून जा ना। कोण तू? श्रीमान गाय उधर से मैं नहीं, तू उतरशील बाबा, अरे मत, वही कर रहा हूँ, मेरा प्लान वही है, लेकिन अटका गया तो ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है? अपने को नहीं करी, कैसा ऐसा ना उल्टा उल्टा। अरे रस्सी नहीं पकड़ने को जाने, अयो ये देख श्रीमान, इजी पे कीजी। चलो राने आजा, आजा चलो दोस्तों। नौबे आएगा ना राने, आज तरी आज तरी वो देखो वो कैसे चढ़ रहे राम से ना, और हम फाइनली इधर आ गए, और मैं इधर चू मैं बैठता हूँ इधर। बाप रे गाइस, रिस्क है तो इश्क है, क्या मालूम। वो देखो बच्चे को लेकर उतर रही हो वार्नर, वो देखो ओरिजिनल चढ़ाई चालू होगी। उस टाइम पिछले टाइम तनिया जी इधर बैठी थी, वो दोस्त लोग वगैरह मिले थे, वो मंकियों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो अभी आ चुके इधर। ये सब भगवान के रक्षक है, ताकि कोई भक्षक इधर आना जाए क्या राने। वो देख वो रस्सी पकड़ पकड़ के जाना है, वो देख लाल कलर की, अभी से चालू हो गया ना भाई तांडव जाने का। जायसे तो है समकारी में शादी तेरी, बाप रे। चलो अबा डबा जबा है सब, बहुत डेंजर है नोब्या, फक्त पकड़ के ठीक से चल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये शूट हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट नो, मेन क्या है ठीक से चलो। बाबा का बुलावा, पिछले टाइम का ये मिस हुआ था मेरा, मतलब मैं थोड़ा बहुत ही दिखा था इसके उसके व्लॉग में, इस टाइम देखते क्या होता है। ये देखो इच्छा गावत, ये देखो उधर से जाना है ऊपर कर इसके अभी। Thank you.
बाबा जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। देवा तुझा आशीर्वाद असंच राहू दे, नायरं लावलं होतं पण तू बोलवूनच घेतलं, धन्यवाद देवा। काय चुकला असेल म्हकला असेल माफ कर, बहुत थक आहे और इतने ऊपर ये देखो जन्नत, पानी और क्या चाहिए। यही नज़ारा था देखने के लिए हम इधर तक आए, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रानी जी का बर्थडे इधर ही सेलिब्रेट करना था तो हम आ गए। क्या रानी जी, बढ़ने के लिए बाकी थे शिवन भाई भी हो गए, नबीता जी का मैंने शूट ले लिया है खुन्नस बांध का, ये हो गया, वो नारियल खा रहे थे, वो देखो नारियल कैसे खा रहे, देखो देखो वन साइड खा रहे, फिर भी उनको चाहिए और इधर आते मंदिर के, इधर बहुत परेशान करते, लेकिन ये मंकी बहुत परेशान करते। पानी पानी जी, ये देखो ये पानी, ए ऊपर का पानी ऐसा फ्रेश करना, ऐसा ढक के ना बाटली से ममदे, हाँ गुड गुड। कचरा है देखो उधर से ढकल दे रहे, हाँ क्लीन पानी देख खाली, और एक चुस्की मार घोटकी और मुझे बता, मैंने पूरा पिया डायरेक्ट, आत्मा ठंड, आत्मा ठंड ना डायरेक्ट, ये ले देख से मन पानी पी के बता मेरे को, तू रुकेगा भी नहीं ब्रो, इतना स्वच्छ पानी है, गंदगी है क्या कुछ, अरे वो भगवान का पानी है ब्रो। हैप्पी बर्थडे ब्रो, आपकी इच्छा थी इधर आके बर्थडे सेलिब्रेट करें, और रात को सबसे पहले मैंने तुमको ही सेलिब्रेट किया था सबसे पहले वाला, क्योंकि इधर नेटवर्क नहीं है ब्रो, तो मैं रात को उठा था 3-4 बजे कुछ तो भी, तो उसको मैंने विश किया और बाबा जी के दरबार में उसको विश किया है। इधर है ना सबसे पहले, उन्होंने मुझे एक बार बताया था ऐसे ऐसे बेंड होके ऐसे जाना है, ये रस्सी पकड़ना बहुत जरूरी है। वो देखो श्रीमान जी आ रहे, मैं शूट कर रहा हूँ तुमको, किंग ना मेरी गोंगा, हाँ बिंदा सा, नहीं तेरे को एक बात बोलूं कि तू लंबा है ना ज्यादा और बेनिफिट से, ये देख इधर रख, पकड़ बिंदास रस्सी। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोलोगे ये देखो इधर दिख रहे कि नहीं, ये देखो इस पे पूरी टिकी हुई है काटी, इस पे और एक इस पे, ये देखो इस पे दिख रहे कि नहीं मुझे मालूम नहीं यार, करण जरा संभाल के उतर रहा है क्योंकि वो कैसा है, नई नई लड़कियां लाइफ में आई है तो ए भाई लड़कियों के लिए नहीं, फिर फैमिली के लिए मैं प्रॉपर आ रहा हूँ, और लड़कियां बेचारी मतलब दोस्त हम आ रहे हैं तो हमारी फैमिली नहीं है। अरे बाबा तो अपनी फैमिली के लिए, दूसरी फैमिली तो श्रीमान फैमिली, नहीं नहीं सुनना श्रीमान फैमिली, और लड़कियां प्यार नहीं लेकिन अपनी दोस्ती यारी भी होती है ना, किधर वो भी है ना, हाथ घट्टो बाबा, इतना शाइनिंग ज्यादा भी सेहत के लिए अच्छी नहीं। रानी जी जरा संभाल क्या मेरे बाबू, राणू राणू व्यवस्थित है बाळा, ओके जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, गणपति बप्पा मोरिया। इस तरह से ट्रैकिंग का समाप्त होने जा रही है, आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस गोप्रो पे, 1000 बार बंद हो रहा है मनहूस कहीं का, अभी मैं देख के दूसरा लेने वाला हूँ, जाने दो। मैं क्या बोल रहा, सुन ना ये मेरे को बेच रहे तू 7000 में, भाई मैं वापरेगा उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, हीट हो रहा है बस, एवढा का दामला पण तुराने चल ना पोया ब्लॉगचं नाव चल ना ठेव, चल ना राणे, ते आईला नुसतं बत्कार का चालतो, बत्कार का नाम आहे ना दोस्तों हम रखने वाले, चल ना राणे चल ना, क्योंकि ये करण है ना इतना इरिटेट कर रहा है ना दोस्तों, आज कंटिन्यू एक ही बोल रहा है, चल ना रे चल ना पुढे, अरे मुझे क्या बोल रहा है वो बदक के जरा पैक 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 चल रहा है, क्या मतलब है क्या, अरे यार एरिया कैसा है इधर, रिस्क कितनी है, और ये इसको बिना वजह का रिस्क मेट क्या, अरे राणे
तू एक घंटे बाद इधर से इधर आ, मैं इधर ही बैठा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दो गए आराम से, मेजबान बाजू हटो, चलो मेरे को जाना, तू जा शूटिंग पाटो। ये हैरानी तो है, सीधी देख, सीधी देख, देख ये क्या है, यार अर्थ यार अर्थ है ऐसा इधर भाई, देखो कैसे दोस्ती यारी होती है, मिट्टी मारना ये ऐसे रिस्क वाले जगह पे बहुत प्यारा रहता है। हां लास्ट की में भी इटी हो सकती है ना, वो रिस्की रोड ही हमने चुना जाने के लिए। आपा बोले इधर से आधा घंटा जल्दी जाओगे, लेकिन राने ना नाटक कर रहे, काटा गया ये गया वो गया, नाटक कर रहे थोड़ा थोड़ा। चलो आओ जल्दी, चल रहे राने। हे राने, नानू चूचू, ये माझे सोनूला बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बापड़ी। राणू चल ना, माझी सोन पापड़ी ती। अरे चल ना, बाबा का दर्शन तो हुआ, चल ना। चल यहाँ पे छावे अच्छा लग रहा है, गोपरों भी बंद नहीं पड़ रहे, सोम्या सोम्या गड़गो में हो रहा है। यस राइट राइट, मेरे को तो एक क्लिप का भंडार पड़ा है मेरे मोबाइल में। देखो ये देखो, गोरपट गोरपट गेमिंग देखो, उसका स्ट्रगल देख। नौबे उधर बैठा है, गैसेट मात्र श्रीमान, बहुत डेंजर है गाइस। मस्कर ने अभी रिटर्न भी उधर से ही जा रहे हैं, हम वापस से नसीब से अभी जंगल आ गया है, और वो जो रिस्की फैक्ट था वो ऑलमोस्ट कम हुआ है, अभी थोड़ा ही बाकी है। आपका भी अभी हाँ थोड़ा थोड़ा हार मानने लगे, अभी ये परती का मार्ग है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही शूट करूँगा, क्योंकि मेरे में एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि पूरा डाउन हो चुका है एनर्जी अभी, मतलब नेक्स्ट लेवल थक गया हूँ मैं तो। और आपका बोल रहे पानी मत पियो ये सिचुएशन में, क्योंकि ज़्यादा दम लगता है, और ज़्यादा दम लगने से पानी पीने से अटैक वगैरह भी आ सकता है भाई, तो उससे अच्छा थके हारे जाएंगे क्या आपा, बोलो कि नहीं। यस ज़्यादा पानी पीने का ही नहीं, और ये सब डुक्कर रांटी डुक्कर का एरिया है इधर ना, ये एरिया में ना अभी हमको भेकर दिखे, बहुत बड़े भेकर थे, लेकिन शूट ही नहीं कर पाए, कैमरा किसका भी ऑन नहीं, बहुत बड़े थे, दो थे दो, वो आपकी वजह से कैमरा चालू था। शीट यार बहुत बड़े भेकर थे, एटलीस्ट शूट तो हो पाता तो अच्छे रहते तेरे, जो भागे ना उसके निशानियाँ देखो, इधर से भाग के चले गए, इधर से भागे वो यार, आपकी नज़र पर पावरफुल है रे, कितना ग्रिप पकड़ के भागते ना श्रीमान, जमीन डायरेक्ट तोड़ देते थे, तो इतनी सूखी हुई भी, हाँ इतनी सूखी हुई जमीन भी तोड़ देते थे, कितना ग्रिप पकड़ के भागते वो, डेंजर पल्ले थे ना वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, अब यही जंगल आगे का बच्चा है, इसको क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट गांव आएगा ऐसा बोला गया है, ताकि मुझे मालूम नहीं ये परफेक्ट, लेकिन सबकी हाउटी गुल हो गई है, राणे ने तो काटी आपा की ले ली, आपा को ऐसे ही छोड़ दिया, नोबिता ने भी काटी उठा ली, पर श्रीमान और मैं ही ऐसा हूँ। और इधर हो रहा है सनसेट, देखो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे थकावट आ गई गाइस, भाई देखो गाइस कैसे मालूम है, मैंने चढ़ा, मैं इनको चला बोला, थका मैं बहुत हूँ, मेरे पाँव दुख रहे, मैं थका हूँ, मैं दिखा रहा नहीं हूँ, मैं पहले से ब्लॉग में बोलते आ रहा हूँ कि मैं थका हूँ, श्रीमान है ना, श्रीमान की भी आउटी गूल है, पर वो दिखाएंगे नहीं, मजबूत दिखाएगा अपने को, लेकिन वो हार चुका है खुद, मालूम है आपको, तो अभी डायरेक्ट जाके घर पे मिलते, बैग भी रख देते और थोड़ा आराम करते, और फिर डायरेक्ट कल सुबह नीचे उतरूंगा ना, उधर से पाँव पड़ूंगा, दिस व्लॉग एंड, ओके। ये देखो रेडीमेड इधर कोरा चाय, ये काटा है, और ये देखो वन साइड मसाले भात, अभी इसको ऐसा रटाएंगे ना, आमटी की तरह मालूम नहीं है, लेकिन अभी मुझे खाना है, ये देखो वन साइड सब तैयारी करके रखी है, और फाइनली मैंने जैसे आपको बोला था खाना भी दिखाऊंगा, और इसके बाद ये ब्लॉग मतलब इधर आज स्टॉप कर दूंगा, कल जाके एंड करूंगा, देखो लुक्खा कैसा कर रहा है, दम नहीं है दम तुम में, समझा क्या, तो अभी आ चुके बैग उधर से और थोड़ा फ्रेश होते गाइस। ये देखो रात के बजे है और हम थक के आए, और मितिया को बोर हो रहा है जाने के लिए, वो खाना पकाने का स्टाइल मार रहा है और बोल रहा है कि मेरे को टाइम नहीं आप जाके आओ, तो मैं और जवान दोनों जा रहे पानी लाने, इधर घर है अपना, और टॉर्च तुमको नहीं मिलेगा, वो जरा तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक है, बैटरी डाउन रहेगी बहुत ज़्यादा। ये देखो रे भाई इधर से तुमने मारा ना टर्न, थोड़ा देखो ना कहीं जगह तो माहौल है ना एकदम जरा खुखार है, मतलब एकदम डेंजरस है माहौल, अभी पौरे से पानी निकलना है वो भी आपको दिखा दे, एक्चुअली मैं अभी डायरेक्ट घर, अरे चल हाँ मिला क्या, हाँ पौरा ब्यूरा सब लेके आए, हंडा भर के लेके आ रहे, तन्वी जी बटाटे की आमटी बन रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बटाटे की आमटी में ना दाल है ना कुछ है, बस टमाटो मीट मसाला और पानी और बटाटा,
वही रास्ता है और वो भी बना रहा है नोबिया। तो अभी जाते कुएं पे, कुआ तो इधर ऑलमोस्ट नज़दीक ही है, लेकिन आप देखो आजू बाजू लाइट में भी कुछ नहीं दिख रहा है। हेलो, हाँ ये देखो अभी इधर से पानी निकाल देते, पकड़ो मेरे को कैसे शूट करेगा तू, पकड़ो डालना पड़ेगा। ढूंढो मोबाइल में शूट, पहला दो तीन बार ऐसा है ना निकालो साइड में, और ये गया पहुंचता है थोड़ा नीचे करने का, दोनों में से एक मोबाइल गया ना करने भाई, अभी काम 25 हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, चेक करा चेक करा चेक करा संभा, देख थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा आ सकता है डेविल, नहीं नहीं हे टाका रिटर्न टाका दे, परत त्याच जागे करून घ्या, गाय राहिले ना कसं आजू बाजू, टेन्शन काय आहे मला बघा, छूट रे मेरे हाथ से, देखो भाई नहाए वगैरह कोई नहीं है, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं है, मित्र सेठ अभी शूज पहन रहा है, राणे सेठ खुशी के मारे नाच रहे, अभी ये हमारे देखो यहाँ पे रहने वाला का आज का दिन भी फाइनल हो चुका है, दो तीन दिन हम घर से गायब है, अभी जा रहे घर पे, राणे बोल के बोलने के मूड में नहीं है, और सवेरे हमने बस मुँह धोया और धड़ाधड़ खा रहे, तो ये कहके अभी अपन निकलते नीचे, नीचे आके इस ब्लॉग का एंड कर देंगे, करने वाला था लेकिन श्रीमान भाई ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दो 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 बैग उठाने का, श्रीमान भाई से घूमो थोड़ा, वो देखो उतने वजन का उसने दो बैग उठाया है, जज्बे को सैल्यूट है इसके, ये तो पांगड़ा होगा कुछ देर में, और ये न आके पांगड़ा हो गया, सही है लुखा, अरे हा बघ बाटला घेतोय, बाटला घेतलाय भाई तो पण बर्फावाला, त्याने घेतलाय मी त्याला काय नाही बोलू शकत। A few moments later, मतलब अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया बैठने के लिए, मेरे तो बैग लेने की भी ताकत नहीं, तो मैंने ऐसा यूज किया है, तो कैसा दिमाग चलना चाहिए कि जंगल में क्या करे, अगर ये किया तो क्या होएगा, ये किया तो मेरा खांदा दुखना थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इसमें वो स्लीपिंग बैग है, उसमें वो राने भी ने सोया, पर अभी उठाने की बारी आई तो पहला भाग गया, अपना खुद का सामान बैग में भरा रफर भाग गया, और एक नंबर का निठल्ला है, देखो आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा, किधर किधर भी नहीं है, बस इधर ना उसकी टेरिटरी बना के चला गया, सुसु करके इधर चला गया कि ये मेरा इलाका है, मतलब ये इस पत्थर पे बैठा रहेगा, अभी चला गया नीचे वो झोपड़े की तरफ, हम थोड़ा रुक के इधर से जाते नीचे, और जय श्री राम, त्या को भी सैल्यूट है कि दो दो तीन तीन बैग लेके दरीत गेला का रे कुठे आवाजच बंद झालाय याचा मला ढकलून गेला भाई जज्बेला सैल्यूट है बाकी त्याचा जज्बा तो बाहर झाला आता डायरेक्ट क्योंकि डेविल ने रिस्क लेके या कोई किसने तो भी उसकी बैग ली है नोबिता ने इसके लिए खुशी के मारे पागल हो चुका है वो कौन सी ताकत है मुझे पता नहीं है क्या खाता है मालूम नहीं अभी ये उतरने की मौत हो गई है और ये पहाड़ी चढ़ के ऊपर पिछली बार अपन ने ड्रोन में शूट किया था उसमें ऊपर दो कुंड दिखे अरे उधर मंदिर भी है उधर मस्त कुंड में थोड़ा हाथ पाई हाथ पाई धोएंगे मंदिर में उधर भी पांच पांच कुंड थे कौन कौन नहाया वो तो जाते वक्त जा रहे थे ना आते वक्त बोल रहा हूँ आते अभी मैं शॉवर के नीचे मैं बताऊँ क्या अगर मुझे कुंड में लेके जाता हूँ अभी मैं डायरेक्ट उड़ी मार के ऐसा भीगेगा और वैसे निकलेगा बोल तुम जाके आओ अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाना दोस्त लोगों को भी दिखना चाहिए तुमने कैसे कूदी मारी गाइज मेरी ताकत ही नहीं है ऊपर भगवान है मुझे मालूम है इधर ऊपर पॉइंट पे भगवान है और कुंडे पानी का लेकिन ताकत ही नहीं है बस मुझे निठल्ला बोलो कुछ भी बोलो लेकिन मेरे में ताकत नहीं है मुझे जाना है घर उधर गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है जाऊँगा घर पे दो घंटा मस्त एसी में सोऊँगा उसके बाद बाकी का सब काम आगे आपको गांव दिख रहा है अभी हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं सामने ही हमारी गाड़ी है और हम लोग सुखरुप ट्रैकिंग करके नीचे आ चुके हैं मतलब एक एक के मुंह देख के आप समझ हवा टाइट है क्योंकि ये ढोपरे दुख रहे मेरे तो मांडिया भर गए मस्त तो अभी सब लोग बोलो सब सुनो गाइस अभी इस ब्लॉग का मैं एंड करने जा रहा हूँ
हमारी ट्रैकिंग समाप्त हुई ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। शायद ही ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहेगा, बहुत खुश हुए रहेंगे आप। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और एक ऐसे नए ट्रैकिंग पे, ये वापस इसी ट्रैकिंग पे रहेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मिलते हैं जल्द से जल्द गॉगल लगा के लेडीज का। तो बाय करो गाइस, बाय बाय बाय। कुछ बोलना है? लव यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी मारो। और लास्ट का एक जो पानी वाला हमने साथ में लाया था ना, उसको भी अपन बाय करेंगे। ए रुके लुके, बाय बोल। बाय दोस्तों, बाय से बढ़ रहे मेरे। चलो गाइस बाय बाय, और मिलते किसी ऐसे एक और छोड़ व्लॉग में, और शायद आपको व्लॉग पसंद आया रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय। ओह सॉरी, चुम्मे की ताकत तो नहीं है।